तो दोस्तों बिहार ऑन स्पॉट पर हम सहरसा की यात्रा पर हैं और सहरसा स्टेशन के पास जो बंगाली बाजार है और बंगाली बाजार से होकर के हम गुजर रहे हैं उस ढाला की तरफ जो ढाला सिरदर्द साबित होता है सहरसा के लिए। हालांकि अभी तो ढाला जो है वो खुला हुआ है क्योंकि ट्रेन ही नहीं है, लेकिन ये ढाला इतना सिरदर्द है दोस्तों कि घंटों लोग इसमें फंसे रहते हैं। किसी को अस्पताल जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो तो उसकी क्या हालत होती है ये देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। यही ढाला है जो सरदर्द बना रहता है और ये ढाला जो है इस तरफ शहर सुपौल की तरफ जाता है। और तो दोस्तों ये बंगाली ढाला जो है वो किस तरह से सिरदर्द साबित होता है, ये अभी तो फिलहाल खुला हुआ है लेकिन ये बताते हैं कि ये घंटों घंटा बंद रहता है क्योंकि लगातार स्टेशन के ठीक बगल में है तो लगातार ट्रेनों का आना जाना होता रहता है, इसलिए फाटक को बंद करना पड़ता है। और फाटक जब बंद होता है तो लोगों की सांसें भी बंद होने शुरू हो जाती हैं, रफ्तार जो है उस पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन अभी अच्छे दिन है यहाँ के लिए तो अभी तो ऐसे खुला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर फ्लाईओवर की मांग लगातार उठती रही है कि इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन अब तक इस पर जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और लगातार शिलान्यास होता रहा, दो बार तीन बार चार बार, लेकिन अब तक जो है वो नहीं हुई। और हालात ये है कि देखिए क्या स्थिति है, अब तक कुछ नहीं बना लेकिन अभी तो फिलहाल लोगों का मूवमेंट है, जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ये तो लॉकडाउन तक ही है ना, जब ट्रेन चलने लगेगी तो फिर स्थिति वही हो जाएगी और फिर लोगों को इसी तरह से जाम में जूझना पड़ेगा। तो ये है बंगाली ढाला की हकीकत। हालांकि अभी जाम नहीं है तो इसलिए आपको तस्वीर वैसी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये सुकून की बात है। तो दोस्तों लगातार ऐसी वीडियो तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।